हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरत और आप देख रहे हैं किरत अलवी का ब्लॉग। तो गाइस, आज है संडे और आज फंडे बिल्कुल नहीं है। आज करनी है पेपर की तैयारी। मम्मा को शदीद गुस्सा आया हुआ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं पढ़ नहीं रही सही से। तो अभी हम पेपर की तैयारी करते हैं और सिलेबस ग्रुप पे आया है, लेकिन वैसे हार्ड कॉपी नहीं मिली, सॉफ्ट कॉपी मिल गई, हार्ड कॉपी नहीं मिली। तो अभी हम पेपर की तैयारी करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तक आप लोगों को मम्मा इंटरटेन करने वाली है ना, आप लोगों को मम्मा इंटरटेन करेंगी भाई, मजा आया। गाइस, अभी मैं आप लोगों को जैसे दिखाई थी मैं पढ़ रही हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं तैयार हुई हूँ ना, अभी हम जा रहे हैं लकी वन मॉल। पैसा ही पैसा हो गया। गाइस ये देखिए, यहाँ पर अमल एंजॉय कर रही है और हमें यहाँ पे अमल ने खड़ा किया हुआ अपने व्लॉग वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे लिए इन्जॉय कर रही है, फुल इन्जॉय करी है। और ये देखें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके मुझे एक के भी नाम नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि हाँ, इनमें से एक मेरे हम सफ़र ड्रामे में भी आए थे और मेरे ख्याल से उर्वा हुसैन है एक शायद। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं भी बहुत इन्जॉय करी हूँ यहाँ पर। और गाइज़, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आए हुए हैं, लोग सब इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और मैं भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने फ़ोटोशूट हो रहा है और ये आवाम देखिए आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा, वो जो पीछे वो जो बना हुआ है ना, टिच बटन मूवी का नाम है और ये 11/11/2022 को रिलीज़ हो रही है सिनेमा में। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सिनेमा जाना। तो ये देखें कितनी आवाम आई। और ये देखिए गाइस, अमल आ गई। अमल क्या कर रही है? अमल गाइस बहुत इन्जॉय कर रही थी। अमर मैंने अमल से पूछा, अमल आप क्या कर रही हो? अमल ने बोला कि मैं इन्जॉय कर रही हूँ आप ही बहुत ज़्यादा। तो अमल यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रही है और हम भी बहुत इन्जॉय करें। और अमल गाड़ी में बैठी हुई है और अमल को समझ नहीं आ रहा अमल क्या कर रही है, लेकिन इतना पता अमल स्टेयरिंग व्हील ज़रूर घुमा रही है। और मम्मा गाइस यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ देखें, यहाँ सारे सेलिब्रिटी आए हुए हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा व्लॉग यहाँ शूट कर लें क्योंकि सेलिब्रिटी मैंने कहा आए हुए हैं तो हम भी पहुँच जाएं। तो लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पे, तो वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल हो रही है, शोर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और आपको पता है कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए सिंगिंग हो रही है, इसलिए मैं उसको बना भी नहीं पा रही। तो गाइज अभी दोबारा अमल के पास चलते हैं और ये देखें अमल क्या कर रही है। और वाह, अमल आप क्या कर रही हो? अमल तो गाड़ी चला रही है भाई, अमल तो फुल इंजॉय, अमल काका बनी हुई है टोटल। तो गाइज ये सामने ग्योरेंडो था और ये यहाँ पर जे डॉट के परफ्यूम्स की कलेक्शन है, बहुत अच्छी कलेक्शन है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और आपको हर वैरायटी के परफ्यूम्स मिलेंगे हर इवेंट के हिसाब से। और सामने एक बहुत क्यूट सा एक फ्रेंच टाइप का बना हुआ है और ये सामने कॉटन एंड सिल्क है। और अभी सामने ऊपर एक लिफ्ट आ रही है और लिफ्ट जो है वो ऊपर से आ रही है या नीचे जा रही है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ही नहीं अभी लिफ्ट, अभी है ही नहीं लिफ्ट। और ये सामने आप लोग देख सकते हैं वंडरलैंड टाइप का कुछ एरिया बना हुआ है और आ गई लिफ्ट। ये देखिए गाइस, आ गई लिफ्ट और लिफ्ट आ गई और ये रुक गई ये परफेक्ट। तो ये सामने अलमास का है कोई शॉप और ये एच पी एल है इधर। और ये एरिया जो मैं बता रही थी कि उससे जो एरिया बना हुआ है, ये देखें गाइस, ये ऑटम सीज़न का बना हुआ है, ऑटम सीज़न से रिलेटेड है। और ये सामने लिफ्ट अभी तक वहीं अटकी हुई है, लिफ्ट का कोई आता पता नहीं है। सामने सतरंगी बुनैन से सतरंगी है सामने और इसके अंदर कुछ प्यारा सा एक बना हुआ एरिया। और ये सामने आउटफिटर्स को देख के मुझे और याद आ जाता है, बस मत ही पूछें। ये वापस आ गया ये ऑटम सीजन और ये ऊपर अभी हम लोग नीचे का डिस्कवर कर रहे हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक है, दोबारा सलाम हो रहा है, दो बार करो सलाम, ज्यादा सवाब। पहले कब किया? तो भाई देखें, आप सब बताएं, पहले पढ़ाई जरूरी है बाद में सब कुछ, ठीक है? अब होने वाले हैं किरत के आफ्टर 2 वीक एग्जाम्स, ठीक है? तो आप किरत थोड़ा सा व्लॉग में कम नजर आएगी क्योंकि पढ़ाई थी इन्होंने तवज्जो देनी है। और प्लीज़ प्लीज़ काइंडली जो हमारे ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ किरत सामने आओ। किरत का नंबर जिन लोगों ने ऑफ किया हुआ है ना, किसी ने भी ऑफ किया हुआ है ना, ऑन करें, शायद उसमें कोई आप लोगों के लिए मैसेज है। वैसे किरत का कोई नंबर नहीं है,
नया नंबर मैंने सिर्फ अपने लिए रखा है, ठीक है। और किरत को सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ किरत पढ़ाई पे तवज्जो पहले, हर काम बाद। तो मैं कह रही हूँ मैंने मना तो नहीं ना किया। हाँ तो लेकिन मैंने मना तो अगर आप नहीं, नहीं मैंने मना किया है तो बताओ। इसको देखे सर, इधर दिखा, इधर मुँह दिखा, दिखा मुँह, दिखा मुँह, दिखा। जो लोग ये वाला बुत्ता देखना चाहते हैं, बुत्ता कहते हैं ना, क्या कहते हैं बुत्ता, कहते हैं क्या हो गया अमल, किधर बुत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं फेस, फेस। जो लोग ये वाला फेस देखना चाहते हैं, मुखड़ा मुखड़ा मुखड़ा, वो मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि आप पेपर्स के दौरान तो मैं किरत को नहीं ला सकती ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है किरत ने पेपर्स के एग्जाम्स की तैयारी करनी, क्योंकि किरत का एम ये शो सोशल मीडिया नहीं है। किरत ने पढ़ना है, कुछ बनना है और किसी का नाम रोशन करना है, वो अलग बात है। वो कोई भी हो सकता है जिसका नाम रोशन करना है, लेकिन करना है बहरहाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा ही कर लें। बहरहाल उम्मीद तो कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद है। ये देखिए गाइस, थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, इसी लंबी बात है, अच्छी बात। आज की अच्छी बात ये कि रिश्तों की कदर ना, यही था ना, रिश्तों की कदर करें, कदर करें, कदर दिल से करें, दिखावा ना करें। मोहब्बत करो दिल से करो, दिखावा ना करो, ये मेरा कहना है। बहरहाल कुछ लोगों को शायद व्लॉग बनाना हमारा पसंद नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों का मतलब है, जब इंसान सरवाइव करता है किसी चीज़ में, या बंदा कोई चीज़ पिक करता है, तो मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ बातें करने वाले होते हैं, तो मैं थोड़ा सा फेड अप हो जाती हूँ, थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ कि यार नहीं करूँ, कोई किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। लेकिन फिर कुछ लोग मोटिवेट करने वाले होते हैं जो कहते हैं नहीं आप लोग करें और अच्छा करें, और अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जानता है कि हम जो काम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, और इसमें मेरा साथ किरत ज़रूर दे रही है। लेकिन अगर किरत के काम करने से कोई एतराज़ात बनते हैं तो ज़रूर मैं उसको दूर करूँगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं जाहिर सी बातें ब्लॉगिंग में कर रही हूँ, तो किरत की पढ़ाई डिस्टर्ब हो तो ये मैं नहीं चाहती कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो। हाँ बीच बीच में किरत ज़रूर नज़र आएंगी, आऊँगी ज़रूर, आएंगी ज़रूर, क्योंकि ये जाहिर सी बातें इनके नाम से चैनल मैंने ओपन किया है, तो इनके नाम से ही चलेगा, किरत अलवी के नाम से चलेगा, और इंशाल्लाह ताला इमोशनल नहीं हैं, इमोशनल कर मत रो मेरी बेटी, मत रो। चले बहुत लंबी बात हो गई, आज की अच्छी बात के साथ ही यही हम व्लॉग का एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।